दोस्तों, आपने आज तक बहुत से जानवरों को देखा और उनके बारे में सुना होगा। दुनिया के सबसे अनोखे जानवरों के ऊपर हम पहले भी वीडियोस बना चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए दुनिया के ऐसे अनोखे और ब्यूटीफुल एनिमल्स की एक और वीडियो लेकर आए हैं, जिसे देख कर आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बेहद ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। साथ ही ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर वन, गोल्डन बिट। दोस्तों, बात अगर इंसेक्ट्स की जाए तो उनमें सबसे ज्यादा फेमस बीटल ही होते हैं, क्योंकि हमें इनमें कई सारे शेप और कलर देखने को मिलते हैं। आप लोगों ने भी इनमें से कई सारे इंसेक्ट्स को देखा होगा, लेकिन आज जिस बीटल को हम आपको दिखाने वाले हैं, उसे देख कर आपके होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि ये है ही इतना ज्यादा अनोखा और रेयर। मिलिए बेहद खूबसूरत गोल्डन बीटल से, जो कि असली गोल्ड का तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसे गोल्डन बग के नाम से जाना जाता है। और इसे देखकर ऐसा लगता भी है कि ये सोने से बना हुआ बीटल है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो इनमें सिर्फ आपको गोल्डन ही नहीं बल्कि हल्का रेडिश ब्राउन कलर भी देखने को मिलता है। लेकिन आपको बता दें कि आपको इनका ये गोल्डन कलर सिर्फ इनके मेटिंग सीजन में ही देखने को मिल सकता है, या फिर आपको इनका गोल्डन कलर तब देखने को मिलता है जब इन्हें खतरा महसूस होता है। ये गोल्डन टोरटॉय बीटल कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, जिनके शेप और कलर की वजह से इन्हें ये नाम मिला है। आपको बता दें कि इनके शेल के अंदर इनके उड़ने वाले पंख भी मौजूद होते हैं, जिनकी मदद से ये उड़ पाते हैं। इन बीटल के बारे में आपको बता दें कि अगर ये आपको कहीं दिख जाए तो इनसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इंसानों के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होते। नेक्स्ट इज इंडियन पर्पल फ्रॉग। दोस्तों, अभी आप जिस मेंढक को देख रहे हैं वो कहाँ से बिलोंग करता है, ये तो आप इसका नाम सुनकर ही जान चुके होंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही, ये इंडिया से ही बिलोंग करता है। लेकिन आपको बता दें कि अब तक सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों ने ही इसे देखा है। इसे इंडियन पर्पल फ्रॉग के साथ साथ बिग नोज फ्रॉग भी कहा जाता है, जो कि आप देख ही सकते हैं कि ये बाकी टर्टल से कितना ज्यादा अलग दिखाई देता है। ये फ्रॉग आपको वेस्टर्न इंडिया में देखने को मिल सकते हैं, जो कि बाकी फ्रॉग की तरह ही मानसून में ही बाहर निकलते हैं, और बाकी टाइम ये जमीन के अंदर या फिर पानी में रहना ही पसंद करते हैं। और इनके आवाज की बात की जाए तो ये बाकी मेंढकों की तरह टर्टल की आवाज नहीं निकालते, बल्कि कुछ मुर्गी की तरह आवाज निकालते हैं, जिसे आप खुद ही सुन लीजिए। तो दोस्तों, क्या आपने इंडिया में ऐसे मेंढक को पहले कभी देखा था? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप इंडिया से हैं तो इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट इज डिक डिक। दोस्तों, जिस जानवर को अब हम आपको दिखाने वाले हैं, वो इतना ज्यादा क्यूट और प्यारा है, जिसे देखते ही आपका मन उसे अपना पेट बनाने का करेगा। मिलिए बेहद ही खूबसूरत और क्यूट से डिक डिक से, जो कि एक एंटीलोप की प्रजाति का जानवर है। ये एंटीलोप की प्रजाति का सबसे छोटे जानवरों में से एक है। ये सिर्फ 30 से 40 सेंटीमीटर तक ही बढ़ सकता है, जिसका वजन करीब 6 किलो के आसपास होता है। इसे पहली बार देखने के बाद आपकी नजर इसकी नोज पर ही जाएगी, जो कि बाकी जानवरों से काफी अलग दिखाई देती है, जो कि 2 इंच तक बढ़ सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि इनकी ये नाक इनके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये अपना खाना अपनी इसी नाक के द्वारा ढूंढते हैं। और सबसे खास बात ये है कि अपने नाक की मदद से ही अपने शरीर के टेम्परेचर को भी सीजन के हिसाब से सही रख सकते हैं। इसके इस बेहद ही मासूम और खूबसूरत से चेहरे को देखकर काफी सारे लोग इसे अपने घरों में पेट बनाने का सोच रहे होंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि ये एक वाइल्ड एनिमल है, जिसकी वजह से इसे घरों में पालना इलीगल है। नेक्स्ट इज एलिफेंट शीप। दोस्तों, इसका ऐसा नाम सुनकर आप इसे किसी एलिफेंट की प्रजाति का जानवर मत समझ लेना, क्योंकि ऐसा नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये देखने में काफी हद तक एलिफेंट के गुणों से मिलता जुलता है। वैसे तो आपको इसे देखकर ही पता चल चुका होगा कि इसका नाम एलिफेंट शीप क्यों रखा गया है, लेकिन अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो हम आपको बता दें कि इनकी जो नाक होती है वो बिल्कुल एलिफेंट के सूंड जैसी ही होती है। इसके साथ ही इनकी जीभ भी एलिफेंट के जैसी ही होती है। कुछ लोगों को इसे देखकर दिखने में भले ही हैमस्टर की तरह नजर आ रहा हो, लेकिन ये तेजी में हैमस्टर से भी कई गुना आगे है, जो कि 28 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। ये रेयर जीव अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है, जिसमें आपको
कई तरह की अलग अलग प्रजाति देखने को मिल सकती है। अलग अलग प्रजातियों के अलग अलग कलर और स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज पिकॉक स्पाइडर। दोस्तों, आपने आज तक स्पाइडर को तो कई बार देखा होगा, लेकिन अभी जिस स्पाइडर को आप देखने जा रहे हैं वो बाकी सभी स्पाइडर से काफी ज्यादा अलग है। अलग होने के साथ साथ ये स्पाइडर काफी ज्यादा रेयर भी है। इसका नाम है पिकॉक स्पाइडर, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता है। आपको बता दें कि इस स्पाइडर की प्रजाति के स्पाइडर को दुनिया के सबसे कलरफुल स्पाइडर होने का खिताब हासिल है, और जो कि आप इसे देखकर ही समझ सकते हैं, जिसे देखकर कोई भी इसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि इनमें फीमेल स्पाइडर किसी आम स्पाइडर की तरह ही दिखाई देती है, और ये कलरफुल स्पाइडर सिर्फ मेल स्पाइडर ही होते हैं। इन स्पाइडर की खासियत की बात की जाए तो इनमें मेल स्पाइडर अपने फीमेल पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए एक बेहद ही अनोखा डांस करते हैं, जिसे आप खुद भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के बेहद ही अनोखे रेयर और ब्यूटीफुल एनिमल। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।